All right, let's get you details of the big story at this hour. It's a win, a huge one at that, for the Hindu side in the Gyanbapi case, with the Varanasi court allowing the Hindu side to offer puja in the mosque basement. The local administration has been asked to make arrangements within 7 days. Women petitioners had sought the right to pray at the mosque basement. The court has said that puja is going to be allowed in the Tehkhana. Prayers will be offered to the Hindu idols in the mosque basement. The Kashi Vishwanath Trust will appoint the priest for the puja. The court, while delivering the verdict, said that there is enough proof to show that the puja was performed in the mosque complex for generations and that Hindus offered puja till December 1993. The court also said that Hindu idols already existed in the mosque basement. व्यास जी के तहखाने में जो व्यास परिवार का तहखाना है वहाँ पे आज माननीय डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने पूजा पाठ का आदेश दे दिया है और ये भी डायरेक्ट किया है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वाराणसी को कि वहाँ पे उचित प्रबंध करके वहाँ पे पूजा पाठ स्टार्ट कराएं। तो किस तरह की भी आएगा, नियमित पूजा होगी कि नियमित पूजा? ये पूजा कौन कराएगा? ये पूजा काशी विश्वनाथ ट्रस्ट बोर्ड कराएगा। कुछ अलग से स्पष्ट निर्देश भी है इसको लेके? नहीं, सिर्फ यही निर्देश है कि वहाँ पे पूजा पाठ स्टार्ट करी जाए। और जो दंश था नवम्बर 1993 का, आज वो स्टार्ट हो गया। तो ये कब से अलाउड? दिन के अंदर कंप्लायंस करनी। कितनी बड़ी जीत मान रहे हैं इसको? बहुत बड़ी जीत है। पिछले 30 साल से जो हम लोगों के साथ अन्याय हुआ, आज उस अन्याय पे हम लोगों ने विजय पाई। इतना बड़ा आप ये, क्योंकि 7 दिन का टाइम दिया गया है, तो क्या माना जाए पूजा पाठ आप लोग शुरू करेंगे? हाँ, हम लोग को 7 दिन के अंदर हम लोग पूरा व्यवस्था जिला अधिकारी से मिलकर पूरा व्यवस्था कर लेंगे हम लोग, और हम लोग जल्द से जल्द वहाँ पूजा करने के लिए सोच रहे हैं। कुछ गुनगुनाएंगे आप लोग, क्योंकि आज बड़ा दिन आप लोगों के लिए, और अक्सर मैंने देखा है आप लोग बाबा दुआरे नंदी पुकारे, बाबा दुआरे नंदी पुकारे, नंदी को दर्शन दे दायो घरदानी, हाय हाय ओ घरदानी। आज हम लोग का बहुत बड़ा दिन है, राम के बाद अब काशी में बाबा अपने आप रूप विराजमान होने जा रहे हैं। बताया गया है कि जिला प्रशासन को 7 दिन में पूरी व्यवस्था करनी है, तो आप लोग क्या पहले लोग होंगे जो पूजा पाठ के लिए वहाँ पहुँचे? जी, हम लोग पहले लोग हैं कि 7 दिन के अंदर, जो कि 30 साल बाद ये जीत आई है। 30 साल 93 का बंद था पूजा पाठ, और अब आया है जाके, क्योंकि ब्याज जी के तहखाना में तो सब कुछ मिला है। हिंदू समाज के लिए बहुत बड़ी जीत है, हिंदू समाज के लिए एक टर्निंग पॉइंट है। हम 40 वर्ष से संघर्ष कर रहे हैं, और तो और इस समाज, इस दिन के लिए हम लोग जो है काफी लड़ाई थे। यह विजय की यह पहली सीढ़ी है, लेकिन आज जहाँ पर जो है, जहाँ वेद मंत्रों की ध्वनियाँ गूंजनी चाहिए थी, जहाँ रुद्राभिषेक होना चाहिए था, वहाँ पर जो अल्लाह अकबर के नारे होते थे, लेकिन आज वहाँ जो है डॉक्टर ए के विश्वेश जी के कारण जो है वह विजय मिली, वहाँ पर जो है रुद्राभिषेक होगा। हम लोग उत्साहित हैं। आज का बहुत बड़ा ऐतिहासिक दिन है जो है, और जिस तरीके से जो है अयोध्या में जो है राम मंदिर के समय ताला खुला था, सेम आज वही स्वर्णिम दिन है काशी हमारे जो है बाबा आदि विश्वेश्वर के लिए जो है। और 1993 तक जो हमारी पूजा वहाँ होती आ रही थी, जो व्यास जी के तहखाने में जो है, जो प्रतिदिन वो पूजा पाठ और कथा और सारे अपनी कथा पूजा कर रहे थे, वो चीजें जो है आज माननीय कोर्ट के माध्यम से 7 दिन के अंदर फिर से शुरू करनी है। भाई, शुरुआत तो पहला कदम जीत हम लोगों को 2022 में ही मिल गया था, जब कोर्ट ने साधारण अधिवक्ता कमीशन की बात की है, तब से ही हमारी विजय गाथा शुरू हो गई है। एसआई सर्वे हुआ, उसमें भी सारे रिपोर्ट निकल कर चले आए हैं। अब जो है एक बहुत बड़ी विजय जो है तहखाने में पूजा पाठ वगैरह शुरू करने का आदेश जो है माननीय जिला कोर्ट ने दिया है, इसलिए एक बहुत बड़ा दिन यह है। और हम लोगों के लिए आज जो है पूजा पाठ का अधिकार जो है आज दे दिया गया, कि वहाँ जितने भी हिंदू धार्मिक क्रियाकलाप हैं, पूजा पाठ है, उसको पुनः बहाल किया जाए, और एक सप्ताह के अंदर मंदिर का जिक्र करते हुए इसको कहा। देखिए, आज़ाद मुल्क है, सबको अपने ख्यालात का इजहार करने की पूरी आज़ादी है, और जहाँ तक अयोध्या मसले का सवाल है, तो बाबरी मस्जिद का केस अलग नौइयत का था और ये केस अलग नौइयत का है, और बहरहाल अभी इसमें काफ़ी लंबा रास्ता तय करना है। तो अभी हम लोगों को पूरी उम्मीद है कि इस फैसले के ख़िलाफ़ ऊपरी अदालतों में जाया जाएगा और वहां से मुकम्मल तौर पर इंसाफ ज़रूर मिलेगा। ऊपरी अदालत में जाने की बात आपने कही है, लेकिन अभी जो वहाँ पे जो तहखाना है वो दक्षिण के साइड पे है, और उधर दूसरी तरफ से मस्जिद का भी रास्ता है, तो आप वहाँ पे जो लोग भी जाते हैं, या उनसे भी आप क्या अपील करना चाहेंगे? नहीं, मेरी सभी लोगों से ये अपील है कि लोग हर तरीके से अमन अमान कायम रखें और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ पूरी तरीके से कोऑपरेट करें, जिससे कि किसी किस्म की
परेशानी और जहमत किसी को भी ना हो, कोई भी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ना पैदा हो और कानूनी ये लड़ाई लड़ी जा रही है और ये लड़ाई सिर्फ और सिर्फ अदालतों तक ही महदूद रहना चाहिए। All right, now listening to what the Chief Minister of Uttar Pradesh, Yogi Adityanath, had said earlier on the Gyanvapi ASI survey report. In fact, he said the finding of Hindu relics inside mosque historic. He's added that previously that Hindu culture and tradition is older than history and people should be proud of it. काशी विश्वनाथ धाम में, ज्ञानवापी में ये एसआई की रिपोर्ट सामने आ रही है। ये एसआई की रिपोर्ट क्या बताती है? बहुत कुछ आपके सामने उदाहरण प्रस्तुत करता है। हम राम पर इसलिए क्योंकि राम हमारे पूर्वज थे, कृष्ण हमारे पूर्वज है, केवल हमारी आस्था नहीं, हमारी विरासत भी है और हम उस परंपरा पर गौरव की अनुभूति करते हैं। Samar Srivastav getting us all the details that he broke earlier for us. Samar, it's a big day for the petitioners also. In fact, they've been waiting for the moment, particularly the women petitioners in this case. Some of them came and said that, you know, we were praying here until the year 1993. One of them said that as kids we prayed here, but that stopped. So we've in that sense reclaimed what was really ours. See, this is the southern cellar of the Gyanvapi Mosque, which we call the Vyas Ji Ka Tehkhana, as said by the Hindu side advocates and the plaintiffs, especially the women plaintiffs out there. And they were having the wide smile on their faces because the struggle was not of months, not of days. It was for a struggle of years that ended today as per the order of the district court, which, you know, the order clearly says that within 7 days, district magistrate has to make arrangements for the prayers of Hindu sites, be it the priests, be it the devotees, or be it any devotee coming, because before 1993, the puja was happening at that tehkhana, at that southern cellar, and thereafter, the previous government earlier in 1993, after the Ayodhya case, stopped the prayers out there and gave some reasons for it, and barricade was formed around the Gyanvapi Mosque back then only, and also around that Shringar Gauri case. I have been joined by the Hindu side advocate Subhash Nandan ji, who will explain us the exact order, what is there in the order given by the district court. Bataiye order mein kya kuch kaha gaya hai aaj? Order mein dekhiye, jo court mein hum logon ki mang thi mananiya jila court mein, कि जो पूजा पाठ 1993 तक जो व्यास जी परिवार द्वारा कराया जाता था, वो तत्कालीन सरकार ने बैरिकेडिंग करके बंद कर दिया, उसको पुनः जो है चालू करवाया जाए, जिलाधिकारी को रिसीवर बनाया जाए। जिलाधिकारी को रिसीवर जो है 17 दिसंबर के आदेश में माननीय कोर्ट ने बना दिया है। उसके बाद अब जो आज फैसला आया है, उस फैसले में कोर्ट ने आदेश दिया है कि चूंकि जिलाधिकारी को आदेशित किया है कि रिसीवर आप नियुक्त हैं, आप पूजा पाठ राग भोग की व्यवस्था करें, यानी कि कोर्ट ने पूजा पाठ राग भोग की जो मांग थी उसको मानते हुए कोर्ट ने आदेश दिया है और जिलाधिकारी जो रिसीवर हैं उनको आदेशित किया है। कौन सा पोर्शन है, नंदी के सामने वाला पोर्शन है, कौन सा तहखाना है, किस हिस्से में आता है? देखिए, जो ज्ञानवापी का परिसर है, उस परिसर का दक्षिणी छोर, दक्षिणी जो तहखाना है, जो नंदी के ठीक सामने है, जिसके बीच में बैरिकेटिंग कर दिया गया है, यानी कि वजू टैंक जो सर्वे के दौरान हमारे जो बाबा महादेव जो मिले थे, शिवलिंग मिला था, उसके और नंदी के बीच में जो तहखाना है, यानी कि नंदी के ठीक सामने जो है वो व्यास जी का तहखाना है, जो व्यास जी के कब्जे में था और व्यास जी पूजा पाठ वगैरह उनके स्वामित्व में रहा है, वो करवाते थे। 1993 में तत्कालीन सरकार ने कानून व्यवस्था के नाम पे बंद कर दिया था। सर्वे के दौरान आप लोग अंदर भी गए थे, क्या हालत थी उस तहखाने की उस वक्त? देखिए, तहखाने में मिट्टी भरे हुए थे, मिट्टियों को साफ जब किया गया, सफाई हुई, उसमें तमाम हमारे देवी देवता, गणेश जी, हनुमान जी, तमाम शिवलिंग टूटे फूटे, हमारे तमाम देवी देवताओं का जो विक्षिप्त जो है कहा जाए, टूटा फूटा जो है अंग जो है मिला है उस तहखाने में, जहाँ ये पूजा पाठ, ये हम लोगों की मांग है कि भाई थी कि इसको पूजा पाठ वगैरह शुरू किया जाए, उन मूर्तियों को वहाँ रखा जाए, पुनः जो है पूजा पाठ वगैरह। ये वही तहखाना है जिसको चुनवा दिया गया है या ये वो तहखाना है जो खुला हुआ है? नहीं, तहखाना खुला, इसमें कोई दरवाजा नहीं है,
केवल जो है नंदी जी के ठीक सामने बैरिकेटिंग है, बैरिकेटिंग के बाद तखाना, उसमें कोई दरवाजा नहीं था, खाली बैरिकेटिंग को हटाना। वी विल कम बैक टू यू फॉर मोर डिटेल्स ऑन दैट। समर्थ इज गेटिंग अस डिटेल्स ऑफ द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट टुडे एंड हाउ द हिंदू साइड एसेंशियली इज रिएक्टिंग टू दीज डेवलपमेंट्स। वी विल कंटिन्यू टू कीप